नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। आइए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खबरों पर। गुजरात में बीजेपी को लगा एक और झटका। 15 दिन पहले बीजेपी में शामिल हुए निखिल सवानी ने पार्टी से दिया इस्तीफा। कहा बीजेपी पाटीदारों को खरीदने में जुटी। गुजरात में गरमाई सियासत। बीजेपी में शामिल हुए पाटीदार नेता नरेंद्र पटेल का बीजेपी पर बड़ा आरोप। पार्टी में शामिल होने के लिए मिला 1 करोड़ का ऑफर। बीजेपी ने आरोपों को किया खारिज। पीएम मोदी के बाद राहुल गांधी का आज से 3 दिन तक गुजरात दौरा। राहुल की मौजूदगी में ओबीसी नेता अल्पेश ठाकुर थामेंगे कांग्रेस का हाथ। पार्टी ने हार्दिक पटेल और जिग्नेश मवानी को भी भेजा न्योता। सियासी सरगर्मी के बीच आज हो सकता है गुजरात चुनाव का ऐलान। दिसंबर में खत्म हो रहा है विधानसभा का कार्यकाल। असम में बीजेपी सांसद ने गांधी और नेहरू को बताया कचरा। सांसद कामाख्या प्रसाद तासा के बयान से भड़की कांग्रेस, पुलिस में दर्ज कराई शिकायत। राकेश अस्थाना होंगे सीबीआई के विशेष निदेशक। पीएम की अध्यक्षता में कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने प्रस्ताव को दी मंजूरी। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने शेख हसीना से की मुलाकात। रोहिंग्या शरणार्थी मसले पर की बातचीत। संयुक्त बयान में दोनों देशों ने कहा म्यांमार रोहिंग्या शरणार्थियों को बुलाए वापस। न्यूजीलैंड के साथ पहले वनडे में भारत को मिली करारी हार। रॉस टेलर और टॉम लेथम की 200 रनों की साझेदारी पड़ी भारी। भारत को दी 6 विकेट से मात। दिवाली के बाद शेयर बाजार में उत्साह। 205 अंकों की बढ़त के साथ सेंसेक्स 32,595 के स्तर पर खुला। निफ्टी 69 अंकों की बढ़त के साथ 10,216 पर कर रहा है कारोबार। ये थी इस वक्त की बड़ी खबरें। आप देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।